नमस्कार मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा पेश किया है ये हलफनामा ऐसा है कि 10 राज्यों में हिंदुओं के लिए खुशियां ला सकता है जी हां केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकारें भी अपने यहां की अल्पसंख्यक आबादी की पहचान कर सकती है और उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दे सकती है केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दिए हल्फनामे में कहा है कि, कि किसी राज्य में कोई समुदाय धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है तो उसे अल्पसंख्यक समाज का दर्जा दिया जा सकता है क्या है ये पूरा मामला और किन राज्यों पर होगा इसका असर जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट बीजेपी नेता और अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने शीर्ष अदालत में याचिका देकर कहा था कि देश के 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं लेकिन वहां हिंदुओं की जगह स्थानीय बहुसंख्यक समुदायों को ही अल्पसंख्यक हितैषी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है अश्वनी ने दावा किया है कि 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है लेकिन वो अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम नहीं है वैकल्पिक तौर पर निर्देश दिया जाए कि लद्दाख मिजोरम लक्षद्वीप कश्मीर नागालैंड मेघालय अरुणाचल प्रदेश पंजाब और मणिपुर में रहने वाले यहूदी बहाई और हिंदू धर्म के अनुयायी अपनी इच्छा और भावना के तहत शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकते हैं इस दावे के साथ अश्वनी उपाध्याय ने मांग की है कि देश के विभिन्न राज्यों में अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशा निर्देश तय करने के निर्देश दिए जाएं। लद्दाख मिजोरम लक्षद्वीप कश्मीर नागालैंड मेघालय अरुणाचल प्रदेश पंजाब मणिपुर जैसे राज्यों में अल्पसंख्यकों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता दावे के जवाब में अल्पसंख्यक मंत्रालय ने हल्फनामा देते हुए कहा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान अधिनियम 2004 कहता है कि राज्य सरकारें भी राज्य की सीमा में धार्मिक और भाषाई समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित कर सकती है उदाहरण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की सीमा में यहूदियों और को अल्पसंख्यक घोषित किया है इसलिए राज्य भी अल्पसंख्यक समुदाय अधिसूचित कर सकते हैं लेकिन ये घोषित करने का अधिकार अकेले राज्य को ही न होकर केंद्र और राज्य दोनों को होना चाहिए फिलहाल इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है अब छह हफ्ते बाद इस पर दोबारा सुनवाई होगी देखना अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है फिलहाल करीब इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स